कई बार डिप्रेशन के साथ एडिक्शन को भी जोड़कर देखा जाता है। ये कैसे होता है, किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कुछ अगर स्टेप्स हों जो हम हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। देखिए, एडिक्शन नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज एन इलनेस। अब वो एडिक्शन सब्सटेंस एडिक्शन होगा जिसमें आपको विदड्रॉल होता है, विच मीन्स अगर आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं और आपने कुछ समय नहीं लिया तो आपको विदड्रॉल सिम्टम आया इसलिए आपने और सब्सटेंस लिया, या टॉलरेंस हो गया विच मीन्स आपने इतना सब्सटेंस लिया थोड़े दिनों के बाद आपको वो दुगना लेना पड़ रहा है फॉर द सेम इफेक्ट। टॉलरेंस एंड विदड्रॉल, विदड्रॉल इफेक्ट्स वो आते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनके अलग अलग तरह से हमें आदत हो जाती है। युवाओं में हमें खास करके इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए बिकॉज मिथ्स बहुत हैं। कभी हम बोलते हैं कि ये करना कूल है, कभी हम बोलते हैं कि दोस्त कर रहे हैं तो तुम भी ट्राई करके देख लो, कभी हम बोलते हैं कि इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इससे रिलैक्सेशन आती है, ये तो क्रिएटिविटी देते हैं। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, लेकिन हम बातें ऐसी करते हैं इसलिए युवाओं को लगता है कि एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, और ये हमें बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। बिहेवियरल एडिक्शंस की भी बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग हो गया, ऑनलाइन रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हो गई, तो बात ऑलमोस्ट सेम है, विच मीन्स मुझे किसी चीज़ की इस तरह से आदत हो रही है कि उसके बिना मुझे विथड्रॉल होता है, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, परेशानी, और उसी पे मेरा पूरा समय चले जाता है, और वो समय इस तरह से जाता है कि जो बाकी चीज़ें हैं मेरे जीवन की वो सेकेंडरी हो जाती हैं, चाहे वो मेरी पढ़ाई या काम हो, मेरा परिवार हो, मेरी फिज़िकल हेल्थ हो, मेरे सोने जागने का समय हो, मेरी बाकी एक्टिविटीज़ हो। एक प्री ऑक्यूपाइड वे से आई एम फॉलोइंग माई एडिक्टिव बिहेवियर, एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी सीन, एंड वी नीड टू बी अवेयर, एंड टाइमली हेल्प लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।